हबल टेलीस्कोप ने हमारे इस ब्रह्मांड में करीब 100 बिलियन गैलेक्सी का पता लगाया है, लेकिन टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी में निरंतर हो रही प्रोग्रेस से ये संख्या 200 बिलियन भी हो सकती है। लेकिन इतनी गैलेक्सी और ग्रह खोजने के बाद भी ब्रह्मांड में किसी दूसरी जगह पर जीवन की खोज नहीं की जा सकी है। जब भी हम अंतरिक्ष में जाने की बात करते हैं तो हमारे जहन में चांद और मंगल ग्रह पर जाने का ख्याल ही आता है, क्योंकि ये दोनों धरती के सबसे करीब हैं। लेकिन एक और ग्रह ऐसा है जो धरती के काफी करीब है, लेकिन वहां जाने की बात कभी नहीं होती। लेकिन अब अमेरिका, रूस, यूरोपीय देशों की स्पेस एजेंसी मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। शुक्र ग्रह यानी वीनस हमारे सौरमंडल के सबसे भयानक माहौल वाले ग्रहों में से एक है। ये पूरी तरह से गंधक के एसिड के बादलों से ढका हुआ है। सौरमंडल में अकेला शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी पर उल्टा घूमता है, यानी यहाँ सूरज वास्तव में पश्चिम से उगता है। एक बार उगने के बाद सूरज के ढलने में और रात से सुबह होने में इतना वक्त लगता है कि पृथ्वी पर उस दौरान 243 दिन निकल जाते हैं। शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड के घने जहरीले बादलों से घिरा हुआ है, जहां औसतन तापमान 460 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि हमारी धरती पर औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है। जब हमारी धरती पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो गर्मी के मारे हम बेहाल हो जाते हैं। वहीं आप सोचिए कि 460 डिग्री सेल्सियस तापमान में वहां क्या हाल होता होगा। इसके साथ ही तापमान से तपते शुक्र ग्रह पर जीवन होने की संभावना को वहां 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं असंभव बना देती हैं। इस ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव धरती से 90 गुना ज्यादा है, जो यहाँ इतनी भारी होती है जितनी हमारी धरती पर समंदर के 1 किलोमीटर अंदर होती है। इतने दबाव में पनडुब्बियां भी तबाह हो जाती हैं। इस ग्रह पर सीसा, जिंक और टिन जैसी धातुएं भी पिघली हुई पाई जाती हैं। लेकिन हमारी धरती से कुछ समानताएं ही वैज्ञानिकों को इस ग्रह पर जीवन होने की उम्मीद को प्रेरित करती हैं। वजन में शुक्र हमारी पृथ्वी से थोड़ा ही हल्का है और इसका व्यास भी पृथ्वी के 95% के बराबर है। दोनों ग्रह क्रेटर्स और ज्वालामुखी से आबाद हैं। साथ ही दोनों के घनत्व और रासायनिक संरचनाओं में अद्भुत समानताएं हैं। शायद यही वजह है कि सौरमंडल के अन्य ग्रहों पर जीवन की तलाश में जुटे वैज्ञानिकों ने मंगल के बाद दूसरा निशाना शुक्र पर साधा है। ब्रिटिश खगोलविदों ने हाल ही में दावा किया है कि शुक्र पर अमेजन सरीखी नदियां न सिर्फ बहती थीं, बल्कि ठीक उसी तरह समुद्र में जाकर मिलती थीं, जैसे पृथ्वी पर नदियां सागरों में अपना पानी उड़ेलती हैं। नासा के अंतरिक्ष यान मैगेलान प्रोब ने 1990 में शुक्र की सतह की जो तस्वीरें भेजी थी उनकी स्टडी के बाद नासा ने कहा था कि शुक्र पर नदियों और नहरों की दिखाई देने वाली संरचनाएं मौजूद हैं, जो ज्वालामुखी से निकले लावे के बहने से बनी हैं। लेकिन आज की जनरेशन के कंप्यूटरों द्वारा जब इन तस्वीरों की दोबारा से जांच की गई तो वैज्ञानिकों ने कहा कि नदियों की लंबाई ये साबित करती है कि उनमें पानी था, क्योंकि लावा इतनी दूरी तक नहीं बह सकता। इसके अलावा इन नदियों के डेल्टा नुमा मुहाने मिले हैं जो उनके समुद्र में मिलने की पुष्टि करते हैं। करीब 5 लाख साल पहले ज्वालामुखी विस्फोटों से उत्पन्न ग्लोबल वार्मिंग से शुक्र ग्रह का वातावरण तहस नहस हो गया था और यदि वहां जीवन और पानी था तो वो हमेशा के लिए नष्ट हो गया। वीनस ग्रह पर हमेशा बैक्टीरिया के रूप में जीवन होने की संभावना जताई जाती रही है, लेकिन बरसों बाद एक बार फिर से वीनस ग्रह में इंसानों की दिलचस्पी पैदा हो गई है। जापान ने कुछ साल पहले अकात्सुकी मिशन भेजा था जो दिसंबर 2015 से शुक्र का चक्कर लगा रहा है। इसके साथ ही नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी भी 2020 तक शुक्र पर अपना मिशन भेजने की तैयारी कर रहे हैं। यहां तक कि रूस भी शुक्र पर स्पेसक्राफ्ट भेजने का इरादा किए हुए है, जो वहां जाकर जीवन की संभावना का पता लगाएगा। रूस एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले 70 और 80 के दशक में शुक्र ग्रह पर वेनेरा और वेगा जैसे बेहद कामयाब मिशन भेजे थे। ये यान शुक्र का चक्कर लगाने के लिए भेजे गए थे और रूस इस बार भी शुक्र का चक्कर लगाने वाला अंतरिक्ष यान भेजने की तैयारी में है।
लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले यान भेजने से बात नहीं बनेगी। शुक्र के माहौल को समझने के लिए एक अंतरिक्ष यान वहां उतारना पड़ेगा और यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि शुक्र ग्रह इतना गर्म है और वहां का माहौल इतना भयानक है कि कोई भी अंतरिक्ष यान उस माहौल में 2 घंटे भी नहीं टिक पाएगा। वैसे रूस के मिशन वेनेरा डी में एक स्पेसक्राफ्ट शुक्र की जमीन पर उतरने के लिए भी जाएगा, लेकिन अगर वो वहां 3 घंटे भी टिक पाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इससे पहले भी सोवियत संघ ने 1982 में वेनेरा 13 लैंडर शुक्र पर उतारा था, लेकिन वो वहां केवल 127 मिनट तक ही बच सका और शुक्र के बेहद गर्म माहौल में जलकर खाक हो गया। वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वहां की भयंकर गर्मी और बेहद खतरनाक केमिकल वाले वातावरण में किसी यान को एक दिन के लिए कैसे बचाया जाए, क्योंकि इतने वक्त रुकने पर ही वहां के माहौल का जायजा लेकर उसकी रिपोर्ट पृथ्वी पर भेजी जा सकती है। इसके लिए वैज्ञानिकों को चाहिए होगा कि वे उसके अंदर के चिप, सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक सिस्टम को इतना मजबूत बनाएं कि वो वहां की गर्मी को झेल सके और जलने से बचा रहे। इसके अलावा वहां भेजे जाने वाले यान को बिना सूरज की रोशनी के काम करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र के आसमान पर हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों का साया बना रहता है। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वे अगर कोई बैटरी वाला अंतरिक्ष यान भी तैयार कर लें तो वो इतनी देर नहीं चलेगी और उनसे इतनी ऊर्जा भी पैदा नहीं की जा सकेगी जिससे कोई अंतरिक्ष यान देर तक काम कर सके। इसके लिए नासा एक अलग तरह की चीज से बनी कंप्यूटर चिप तैयार कर रहा है जो 500 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी बची रहेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि तमाम तत्व बेहद गर्म माहौल में एक अलग ही तरह का बर्ताव करते हैं। इसके लिए वे सिलिकॉन का उदाहरण देते हैं जो सेमीकंडक्टर है, लेकिन 300 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने पर वो अलग तरह का व्यवहार करने लगता है। इसलिए नासा सिलिकॉन और कार्बाइड से मिलकर बनने वाले एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉनिक चीजें तैयार करने की सोच रहा है और उन्हें उम्मीद है कि ये तत्व शुक्र ग्रह की भीषण गर्मी को झेल जाएगा। लेकिन इसके साथ एक और दिक्कत है कि इस मटेरियल से डेटा गुजारने की रफ्तार ठीक वैसी होगी जो 60 के दशक के कंप्यूटर की हुआ करती थी। मतलब अगर यान वहां के तापमान में एक दिन के लिए बच गया तो उससे मिलने वाला डेटा हमें बहुत ही धीमी गति से मिल पाएगा। इतना सब होने के बाद अब एक समस्या उसके इंजन को लेकर आती है कि ऐसा कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाए जो शुक्र ग्रह के माहौल में जल सके। इसके लिए वैज्ञानिक इंजन को चलाने के लिए लिथियम को एकदम सही ईंधन मानते हैं, क्योंकि लिथियम कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के माहौल में भी जल सकता है। ये 180 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है जो शुक्र के माहौल के लिहाज से एकदम सही है, साथ ही इसका वजन भी कम होता है जो इस मिशन के लिए बेहद ही जरूरी है। फिलहाल इस दिशा में कई प्रयोग चल रहे हैं और नई चीजों को विकसित किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत काम किया जाना बाकी है। हम जानते हैं कि शुक्र और पृथ्वी की समानताएं लगभग एक जैसी ही हैं और ये सूरज के हिस्से से अलग होकर ग्रह बने हैं। अगर इंसान शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी जुटा पाया तो हम ये पता लगा सकते हैं कि दोनों ग्रह सूरज से अलग होकर बनने के बावजूद ऐसे क्यों हैं कि पृथ्वी का माहौल जीवन जीने के लिए अनुकूल है और शुक्र का माहौल नरक जैसा क्यों है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कभी वीनस प्लैनेट पर जीवन हो सकता है? अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में दें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।